गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे C#.NET में कंस्ट्रक्टर कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने सीखा है अभी तक क्लासेस ऑब्जेक्ट कैसे रहता है और पैरामीटराइज मेथड कैसे रहती हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सुझाव हो आपके पास तो वो भी दे दीजिए। आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टर। अभी ये जो कंस्ट्रक्टर है तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसलिए हम पहले कंस्ट्रक्टर का यूज़ किस लिए किया जाता है ये सीखेंगे। आपको पता है कि क्लास में हम अलग अलग प्रकार के डेटा मेंबर लेते हैं, जैसे कि ये क्लास है ABC नाम का और इसमें XY ये दो डेटा मेंबर्स हैं। ये जो डेटा मेंबर्स हैं इनको हम इनिशियलाइज करते समय गेट फंक्शन, रीड फंक्शन, नहीं तो किसी अलग अलग नाम से फंक्शन लेते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं। X=10, Y=20। यानी कि अगर कोई भी डेटा मेंबर हमें इनिशियलाइज करना हो तो हमें एक तो फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो पैरामीटराइज फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। तो C#.NET में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और एक फैसिलिटी दी है कि जिसके ज़रिए हम अलग अलग डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास ABC है, XY है डेटा मेंबर्स और इस मेंबर मेथड में हमने X की वैल्यू 10 को, Y की वैल्यू 20 को इनिशियलाइज कर दी। यानी कि जब हम ABC के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए करेंगे तो X की वैल्यू 10 और Y की वैल्यू 20 हो जाएगी। अगर हमने पैरामीटर्स भेजे हैं तो हम पैरामीटर्स भेजने के बाद जो वैल्यू होगी वो उसको इनिशियलाइज कर देंगे। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो इनिशियलाइज करने के लिए हम अभी तक डेटा मेंबर मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो C# जो रहता है और C# को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अनदर टेक्निक प्रोवाइड की है जिसके ज़रिए हम इनिशियलाइज कर सकते हैं डेटा मेंबर्स को। उस स्पेशल मेंबर मेथड को हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। यानी कंस्ट्रक्टर क्या रहता है, कंस्ट्रक्टर इज़ स्पेशल मेंबर फंक्शन और स्पेशल मेंबर मेथड ऑफ द क्लास हुज नेम इज़ द सेम एज द क्लास नेम। यानी कि कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो क्लास के नेम से सिमिलर रहता है। एंड इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर ऑफ द क्लास व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएट। यानी कि ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली डेटा मेंबर्स की वैल्यू इनिशियलाइज कर देता है। यानी कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना ये इम्पोर्टेंट टास्क कंस्ट्रक्टर मेथड ऑटोमेटिकली कर देता है। सो इट इज़ अ स्पेशल, व्हाई, बिकॉज इट्स नेम इज़ सिमिलर एज अ क्लास नेम एंड इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। यानी कि इसको कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रहता और इसका नेम क्लास नेम से सिमिलर रहता है। एंड इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, यानी कि इसके ज़रिए हम कौन सी भी वैल्यू रिटर्न कर नहीं सकते। यानी कंस्ट्रक्टर में लिखते समय आपको ये रूल फॉलो करने ज़रूरी है, एक तो उसका नेम और क्लास का नेम सेम रहना चाहिए, दूसरा उसको कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रहता, और तीसरा वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। सो देर इज़ नो नीड टू कॉल और इन्वोक टू द कंस्ट्रक्टर, इट इन्वोक ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। यानी कि कंस्ट्रक्टर जब लेते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, अभी अपने पास ये क्लास ABC नाम का एक क्लास है, इसमें हम इंटीजर X और Y डेटा मेंबर्स ले लिए, इसमें एक गेट फंक्शन ले लिया, उसमें हम X की वैल्यू 12 को और Y की वैल्यू 36 को इनिशियलाइज कर रहे थे। यानी क्या होता है, जब हम ABC का ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमें A.get फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, बराबर है। यानी कि ये गेट फंक्शन, इसको बोला हमने कॉलिंग और इनवोकिंग बोलते हैं इसको, कॉलिंग और इनवोकिंग फंक्शन और मेथड। यानी कि इसको हम कॉल करते हैं स्पेशली A. यानी कि ऑब्जेक्ट और डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर से। तो ये तो हो गए सिंपल मेंबर मेथड। अभी हमें कंस्ट्रक्ट लिखना है, तो कंस्ट्रक्टर का रूल क्या है,
कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज ए क्लास नेम, ये स्पेशल मेंबर मेथड है, तो इसका नाम क्लास के नेम से इक्वल रखते हैं, ठीक है। यानी कि हमने एबीसी नाम का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन किया, जैसे यहाँ पे गेट फंक्शन है, गेट फंक्शन के लिए इसको रिटर्न टाइप लगता है, कंस्ट्रक्टर के लिए कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लगता। यहाँ पे आ जाओ, x इज इक्वल टू 12 किया और y इज इक्वल टू 36 किया, सेम काम है जैसे गेट फंक्शन में काम किए हैं वैसे ही इनिशियलाइजेशन का काम यहाँ पे हमने किया। अभी क्या करेंगे, हम ए बी सी का ए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ए बी सी ए इज इक्वल टू न्यू ए बी सी करने के बाद ए डॉट ए बी सी जैसे कि गेट फंक्शन को कॉल करते हैं, वैसे ए डॉट ए बी सी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यानी कि क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट मीन्स कॉलिंग कंस्ट्रक्टर, यानी कि ये दोनों काम एक साथ हो जाता है। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर रहे हो और यहाँ से ये जंप करके यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ए का जो एक्स है उसको 12 मिल गए और ए का जो वाई है उसको हम 36 से इनिशलाइज कर दिए यहाँ पे। समझ गए, इतना ईजी रहता है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना। जैसे कि ये गेट फंक्शन है, गेट मेथड है, वैसे ही ए ए बी सी मेथड है जिसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर। अभी कंस्ट्रक्टर का नेम जो है क्लास के नेम से सेम रहता है, उसको कोई भी रिटर्न टाइप हम नहीं देते ऐसे करके, और यहाँ से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती। ये तीन चार चीज़ें आप ध्यान में रखिए कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते समय। और कंस्ट्रक्टर स्पेशली ऐसे कॉल नहीं किया जाता, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर करना बहुत ही आसान रहता है। अभी हम एक सिंपल प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और इनिशलाइज करेंगे वैल्यू और प्रिंट करेंगे। ये जो स्टूडियो ओपन हो रहा है, हमने क्या सीखा अभी, कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल मेंबर मेथड और स्पेशल मेंबर फंक्शन हुज नेम इज सेम एज अ क्लास नेम, यानी कि इसका नाम और क्लास का नेम सेम रहता है। इट इज़ यूज टू इनिशलाइज डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास, इसका यूज हम डेटा मेंबर्स को इनिशलाइज करने के लिए करते हैं। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसको कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लगता, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ये कुछ फीचर्स है इसके। अभी हम यहाँ पे आके न्यू प्रोजेक्ट बोलेंगे, न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करके कंस्ट्रक्टर डेमो बोलेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारी फाइल दिखेगी, तो यहाँ पे आ जाओ, हमें एक नया प्रोग्राम लेना है। यहाँ पे आ जाओ, राइट क्लिक करो, ऐड बोलो, यहाँ पे हम क्लास सिलेक्ट करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद क्लास, क्लास का नाम हम देते हैं कॉन डेमो वन, यानी कि इसमें हमारा मेन फंक्शन रहेगा। अब यहाँ पे क्लास क्रिएट करो, क्लास ए बी सी ओपन कर ली, क्लोज कर ली। यहाँ पे इंटीजर एक्स एंड वाई डेटा मेंबर्स रहेंगे। वॉइड गेट फंक्शन हम पहले इस्तेमाल करते थे वैसे ही करेंगे, मैं आपको बाद में बता दूँगा वो चेंज कैसे करेंगे। पुट फंक्शन हम सिंपल फंक्शन लिख रहे हैं जैसे पहले लिखा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सॉरी यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हैं। एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेंगे और इसमें y इज इक्वल टू वाई के वैल्यू इनिशलाइज करेंगे। ओके, यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 36 कोई भी वैल्यू दे दो। मैंने अभी ये करने के बाद, ये क्लास तो डिफाइन हो गया, इसके बाद मेन फंक्शन का जो क्लास है उसमें पब्लिक स्टैटिक void m कैपिटल रखिए, फिर उसके बाद स्ट्रिंग arjs ओपन कर ली, क्लोज कर ली। करने के बाद यहाँ पे
ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ए इज इक्वल टू न्यू ए बी सी ए डॉट गेट फंक्शन। ये जो फंक्शंस रहेंगे उसको ध्यान में रखिए, हम बार बार भूल जाते हैं, पब्लिक रखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर वो पब्लिक हो तभी हम एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ए डॉट गेट फंक्शन कॉल किया, ए डॉट पुट फंक्शन कॉल किया। तो देखिए ये रेगुलर प्रोसेस है जो हम बार बार करते आ रहे हैं, इसमें हम चेंज करेंगे। प्रोजेक्ट में जाओ, अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो जो हमने अभी दिया है, स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में कॉन डेमो वन। अभी इसको हम रन करेंगे तो आपको आउटपुट कैसे दिखाई देगा, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, हम फॉन्ट चेंज करके ओके। एक्स इज इक्वल टू 12, वाई इज इक्वल टू 36। अभी देखा आपने कि ये क्या क्या कर रहे हैं, पहले तो गेट फंक्शन को कॉल करता है, तो ये यहाँ पे जाके इसको कॉल करेगा और फिर पुट फंक्शन कॉल करता है तो एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ये जो फंक्शन रहता है गेट फंक्शन, इसको हम चेंज कर देंगे, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी। कितना सिंपल है, अभी कॉल करो। ये कॉल करने के बाद आप एक ध्यान में रखो, ये गेट फंक्शन यहाँ से निकाल, और ये जो पब्लिक फंक्शन है इसको हम पब्लिक करेंगे। अभी कॉल कीजिए, देखिए स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ मैं आपको। F11, ये देखिए F11, ये यहाँ पे आ गया F11, x की वैल्यू इनिशलाइज कर दी F11, यानी कि कॉल कर दिया, ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, फिर पुट फंक्शन को कॉल कर देता है और वो वैल्यू प्रिंट करता है। तो आप समझ गए कि क्या होता है प्रोसेस में, कंस्ट्रक्टर क्या रहता है। तो फिर से एक बात दोहराता हूँ, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास और इट इज़ अ स्पेशल मेंबर मेथड ऑफ द क्लास विच इनिशलाइज द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास। इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इट इज़ अ स्पेशल बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। ये रिटर्न टाइप नहीं लेता, यानी कि वर्ड वगैरह नहीं लेता, और ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, और इसका नेम जो है वो क्लास के नेम से इक्वल रहता है, तो इसको हम कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। ये एक प्रोग्राम हो गया, और एक प्रोग्राम देखते हैं स्टूडेंट का, तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी। फिर एक बार क्लास ले लो, यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म डेमो टू नाम का क्लास लेते हैं, जिसमें हम मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, और जो हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है उसको हम ऊपर लिखेंगे। अब इसके जो डेटा मेंबर रहेंगे, रोल नंबर ले लिया, फिर उसके बाद हमने नेम ले लिया, अगर चाहिए आपको तो उसके मार्क्स ले लो, ठीक है। अभी पब्लिक स्टूडेंट, जैसे गेट फंक्शन था वैसे ही हम पब्लिक स्टूडेंट बोलेंगे, इसको हम कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, यानी कि हम यहाँ पे डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम और क्लास का नाम सेम रहना चाहिए। अभी इसमें इनिशियलाइजेशन का काम करो, 101 नेम देता हूँ मैं, डबल कोट में नेम दो क्योंकि ये स्ट्रिंग है। M1 की वैल्यू मैंने दे दी 35, M2 की वैल्यू दे दी 35, M3 की वैल्यू 35, बहुत ज़्यादा हो गई। M1 प्लस M2 प्लस M3 या बहुत कम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन काम कर दिया हमने, फिर ये वैल्यू प्रिंट करनी हो तो एज अ सिंपल, जैसे हम पहले फंक्शन इस्तेमाल करते थे पुट वगैरह, यानी कि जो भी नाम आपको चाहिए वो ले लो और प्रिंट कर दो। अभी देखिए यहाँ पे हमने रोल नंबर को प्रिंट करना चाहा, आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो,
जैसे हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे रोल नंबर, फिर हमें प्रिंट करना है नेम को, नेम प्रिंट कर दिया, फिर हमें प्रिंट करना है मार्क्स को, लेकिन तीन सब्जेक्ट के मार्क्स रहेंगे, तो 0, 1 और 2 यहाँ पे प्रिंट करेंगे, M1, M2 और M3 तीनों भी प्रिंट कर दिए यहाँ पे। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे टोटल, तो फिर टोटल प्रिंट कर दी। अभी यहाँ पे आके मेन क्लास में हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड एम कैपिटल रहेगा अपना, यहाँ पे स्ट्रिंग आर्गुमेंट, इसको एरे टाइप बनाना है। अभी पिछली बार हमने क्लास का जो नेम लिया था वो था ABC, इस बार जो हमने क्लास का नेम लिया है वो है स्टूडेंट, तो हमें जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो स्टूडेंट का बनाना है। तो ये ध्यान में रखना कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का नाम पहले लो, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, फिर उसके बाद न्यू बोल के स्टूडेंट बोलो। अभी S1 स्टूडेंट बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सीधे हम S1 बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली हो जाता है कॉल। ये जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको लगता है कि इसने ये फंक्शन कॉल किया है इससे, ओके, तो हमें वो कॉल करने की ज़रूरत एक्सटर्नल नहीं पड़ती। console.read, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट में जाओ, कंस्ट्रक्टर डेमो प्रोजेक्ट में जाओ और सेकंड प्रोग्राम सेलेक्ट करो स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में, क्योंकि हम दूसरा वाला प्रोग्राम रन करने वाले हैं, और इसको रन करो। ये देखिए आपका आउटपुट आ गया, रोल नंबर, नेम, मार्क्स और टोटल। अभी इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए पहले क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करो, ये मेन फंक्शन में आ गया, फिर F11, फिर F11। देखिए इसने जंप किया ऊपर, जंप करके कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू है F11 सबको इनिशियलाइज करने के बाद फिर नीचे आ गया मेन फंक्शन में, फिर पुट फंक्शन को कॉल करने वाले हैं F11 सभी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। फिर ये वैल्यू प्रिंट करने के बाद हम बाहर पड़ेंगे, ओके, हम बाहर निकल आए। तो आप समझ गए, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना बहुत ही आसान रहता है। कंस्ट्रक्टर ये स्पेशल मेंबर मेथड है जिसका काम सिर्फ डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना रहता है, ठीक है। तो हमने अभी तो सीख लिया कि कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, और उसके दो प्रोग्राम भी ले लिए। अभी हम सीखेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये समझना पहले ज़रूरी। तो फिलहाल तो देखिए मेरे पास एक क्लास है, क्लास ABC करके, जिसमें हमने इसका कंस्ट्रक्ट डिफाइन किया है। उसमें हमने वैल्यू जो दे दी, x की 12 है, y की 36 है। अभी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ABCA, तो ये इनिशियलाइज करेगा। a का x 12 हो गया और a का y, ऑब्जेक्ट a का y 36 हो गया। फिर अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी क्लास में, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तो यहाँ से जंप करके वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि ये आया था। तो फिर से एक बार क्या हो गया, बी के एक्स को भी हमने 12 को ही इनिशियलाइज कर दिया, और बी के वाई को भी हमने 36 को इनिशियलाइज कर दिया। यानी कि जब हम ये सिंपल कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, इसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब हम लेते हैं तो ऑब्जेक्ट हमने अलग अलग क्रिएट करने के बाद भी, ये ABC का A अलग है और ABC का B अलग है,
उन दोनों को सेम ही वैल्यू वो इनिशलाइज कर देता है। कब? अगर ये कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट हो और हमने सिर्फ वैल्यू इनिशलाइज कर दी हो तो क्या हो जाता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट को तो अलग अलग वैल्यू चाहिए, ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं। इससे हमें ओवरकम होना हो तो हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। यानी कि कैसे, देखिए क्लास एबीसी ओपन कर ली, क्लोज कर ली, इंटीजर एक्स और वाई आपके सेम ही रहेंगे, एबीसी बोलो ओपन कर ली और क्लोज कर ली। यहाँ पे सिर्फ जिन जिन वेरिएबल को वैल्यू आपको भेजनी है उन वेरिएबल के नाम ले लो। यानी कि मुझे x को a की वैल्यू भेजनी है और y को b की वैल्यू भेजनी है, इसको हम कहेंगे सर। बोला आपने जो वहाँ पे डबल इज इक्वल टू का साइन देकर इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिया, वो क्या, उसका मतलब क्या होता है? किसका, यहाँ पे? हाँ वहाँ पे। नहीं नहीं, वो सिर्फ दिखाने के लिए नोटेशन मार्क है, यानी कि a डॉट x की वैल्यू। हाँ, ये सिर्फ दिखाने के लिए। हाँ, a डॉट x की वैल्यू हो गई। नहीं नहीं, उसका ये वैल्यू हो गई इसके लिए। अब ओके, ये हाँ, ये क्या है, इनिशियलाइजेशन के लिए इज इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं। तो ओके ओके, यहाँ पे हमने दो पैरामीटर भेजे, ठीक है। पैरामीटर भेजने के बाद a की वैल्यू आपको गई x को, b की वैल्यू गई y को, इसको हम पैरामीटर्स बोलेंगे। और ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स होल्ड करता है, इसके लिए ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। ओके, तो अभी अगर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऐसे तो ये काम नहीं करेगा, नॉट वर्किंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो नहीं है, इसके जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो ये मांगता है यहाँ पे दो वैल्यू भेजनी चाहिए, तो हम यहाँ से वैल्यू भेजेंगे 10 और 20। अब आप कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ये बी क्रिएट करो, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू भेज दो। अभी क्या हो गया, देखो ए का जो एक्स है उसको हम नोटिफाई कर रहे हैं 10 से, और ए का जो बी है, सॉरी वाई है, उसको हमने वैल्यू दे दी 20। ओके, वैसे ही ये जो बी है, बी का जो एक्स है उसको वैल्यू हमने भेजी 6, और बी का जो वाई है उसको हमने वैल्यू भेजी 8। सो यहाँ पे हम क्या सीखे, अगर आपके पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो तो आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग वैल्यू भेज देते हैं, जो पॉसिबल नहीं होता डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, समझ गए? तो इसको हम प्रोग्राम में तब्दील करेंगे। अब यहाँ पे आओ, ऐड बोलो। अब इस क्लास का नाम हम देते हैं परम कौन, यानी कि परम कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर शॉर्ट फॉर्म ले लिया है मैंने। क्लास बीसीडी नाम का एक क्लास लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक्स और वाई दो डेटा मेंबर्स क्रिएट किए, पब्लिक बोलिए पहले, यहाँ पे दो पैरामीटर भेजिए, क्योंकि दो डेटा मेंबर्स है यहाँ पे, इसलिए दो डेटा मेंबर्स के लिए दो वैल्यू। आप कितने भी भेज सकते हो, जितने डेटा मेंबर चाहिए उतने आप भेज सकते हो। दोनों को वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, और पुट फंक्शन का काम आप एज इट इज जैसे पहले करते थे, थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहता है, बाकी सब भी एक जैसे ही प्रोग्रामिंग का स्टाइल रहता है। कंसोल डॉट राइट, एक्स की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे एक्स को, और वाई की वैल्यू प्रिंट करेंगे वाई। यहाँ पे मेन फंक्शन में जाओ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मेन कैम कैपिटल रखना हर बार, args, ये क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पे bcd b ob1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, bcd
अब ये कंस्ट्रक्टर काम नहीं करेगा क्योंकि ये देखो रेड लाइन आ गई, क्योंकि उसको दो वैल्यू चाहिए कंस्ट्रक्टर के लिए। तो यहाँ पे दो वैल्यू भेज दो, OB2। इससे हम ये सीखे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग वैल्यू भेजने हो तो हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट वन OB1.put और ऑब्जेक्ट टू console.read। ओके, अभी टूजिक में जाऊँ और स्टार्टअप ऑब्जेक्ट को चेंज करूँ, प्रोग्राम रन करूँ। रन करने के बाद आपको ये दिखाई देगा ऑब्जेक्ट वन एक्स की वैल्यू 34, कुछ तो गलत हो गया है, स्लैश एन बोलिए यहाँ पे, यानी कि न्यू लाइन पे जाएगा। और एक्स और वाई की वैल्यू सेम सेम ही दिखा रहे हैं। ओके ओके, यहाँ पे क्या हुआ था, बी की वैल्यू दोनों को भी आसान होगी। अभी देखिए ऑब्जेक्ट वन को एक्स की वैल्यू 12 है, वाई की 34 है, ऑब्जेक्ट टू को एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 8 है। तो हमने यहाँ पे सीखा कि अगर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग वैल्यू भेजना चाहते हो तो हमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, पैरामीटराइज्ड नंबर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, और एक प्रोग्राम लेते हैं आपकी जानकारी के लिए फिर से एक बार। ये क्लास कर दिया हमने परम कॉन टू नाम का। अभी हम स्टूडेंट क्लास को स्टूडेंट ले लिया था पिछली बार, अब हम प्रोडक्ट क्लास इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अभी प्रोडक्ट क्लास के लिए आपको प्रोडक्ट नंबर चाहिए, स्ट्रिंग प्रोडक्ट का नाम चाहिए। तो हमने क्या क्या किया है यहाँ पे, प्रोडक्ट नंबर और प्रोडक्ट नेम किया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की प्राइस लेते हैं, क्वांटिटी भी लेते हैं और बिल भी लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जाओ पब्लिक प्रोडक्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करो और यहीं पे वैल्यू भेजो इंटीजर नंबर प्रोडक्ट नंबर के लिए, स्ट्रिंग नेम नेम के लिए, फिर डबल पी प्राइस के लिए, डबल क्यू क्वांटिटी के लिए। तो हम चार वैल्यू भेजेंगे, बिल हम कैलकुलेट करने वाले हैं, इसलिए हमने उसका पैरामीटर नहीं लिया। पी नंबर को नंबर की वैल्यू दे दी, पी नेम को हम नेम की वैल्यू दे रहे हैं, फिर प्राइस की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी पी से और क्वांटिटी की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी क्यू से। बिल हमने यहाँ पे पैरामीटर के ज़रिए नहीं भेजा, क्यों, क्योंकि उसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं ऐसे, तो हमने उसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अभी उसको प्रिंट करना है तो पब्लिक वर्ड शो फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कंसोल डॉट राइट लाइन, फंक्शन और मेथड एक ही चीज़ का नाम रहता है, यानी कि ये मेथड भी है और ये फंक्शन भी है। प्रोडक्ट नेम, पहले प्रोडक्ट नंबर लेते हैं 0, कॉमा पी नंबर, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस,
प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्रोडक्ट का बिल, यहाँ पे पी नेम हो गया, यहाँ पे प्राइस प्रिंट करेंगे और यहाँ पे क्यू टी वाई और यहाँ पे बिल। तो ये तो हो गया अपना क्लास जिसमें हमने प्रोडक्ट क्लास लिया था, उसमें हमने डेटा मेंबर्स डिक्लेयर कर दिए, फिर उसके बाद हमने इनिशियलाइज कर दिया प्रोडक्ट कंस्ट्रक्टर के ज़रिए अलग अलग डेटा मेंबर्स को, फिर शो फंक्शन में वो सब प्रिंट कर दिया। अभी मेन फंक्शन में आओ, मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स ले लिया हमने, ओपन कर ली, क्लोज कर ली, फिर उसके बाद हमें प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्रिएट कर दिया, ये एक हो गया, लेकिन इसको वैल्यू भी भेजनी है, तो पहले तो वैल्यू भेजेंगे वन, प्रोडक्ट का नाम भेजेंगे पेन, प्राइस भेजेंगे 10 रुपया और क्वांटिटी भेजेंगे 30। ये पी वन और ये पी टू, ऐसे दो ऑब्जेक्ट हो गए। पेंसिल प्राइस इसकी 5 रुपये रखेंगे, क्वांटिटी इसकी 10 रखेंगे। अभी हम ये प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट राइट प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू, पी वन डॉट शो फंक्शन को कॉल किया, शो फंक्शन को कॉल किया कंसोल डॉट राइट। अभी प्रोजेक्ट में जाओ, कंस्ट्रक्टर डेमो में जाओ और आपका जो प्रोग्राम है परम पॉन टू उसको स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में सेट करो, फिर उसके बाद रन करो। देखिए प्रोडक्ट वन, वन टेन टेन, क्वान्टिटी 56, प्राइस आ गई इसकी। फिर प्रोडक्ट टू में प्रोडक्ट टू की डिटेल्स आ गई। तो हमने आज क्या क्या सीखा कि कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या रहता है, कंस्ट्रक्टर इज द स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, पहली बात। दूसरी बात, उसका यूज हम डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं, उसका नाम और क्लास का नाम सेम ही रहना चाहिए, उसको कोई रिटर्न टाइप नहीं देते और ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ये बेसिक चीज़ें आपको अगर मालूम हो गई तो आप कंस्ट्रक्टर आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कंस्ट्रक्टर की ओर देखिए, कंस्ट्रक्टर जैसे स्पेशल मेंबर मेथड है क्लास की, वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी स्पेशल मेंबर मेथड रहती है क्लास की। अभी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है ये हमें जानना है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या रहता है, जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो उसको इनिशियलाइज करना ऑटोमेटिकली, और वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, उसको कॉल करना नहीं पड़ता सेपरेट से मेंबरशिप डॉट ऑपरेटर से। यानी कि हमने यहाँ पे सीखा कि आपको ए डॉट गेट फंक्शन जैसे कॉल करते हैं, वैसे ए डॉट ए बी सी कॉल नहीं करना पड़ता। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब। तो वैसे ही डिस्ट्रक्टर का काम है। अभी कंस्ट्रक्टर के ज़रिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट इनिशलाइज करते हैं, यानी कि मेमोरी को लोकेट करते हैं, एलोकेट करते हैं। अभी ये जो मेमोरी एलोकेट की है उसको अगर हम रिलीज़ करना चाहते हो, यानी कि मेमोरी से वो फ्री करना चाहते हो, तो हमें डिस्ट्रक्टर हेल्प करता है। यानी कि जो एलोकेटेड मेमोरी है ऑब्जेक्ट के ज़रिए, ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी एक्वायर की है उसको हमें रिलीज़ करना है, वो भी ऑटोमेटिक, हमें सेपरेटली कोई भी कॉल नहीं करना फंक्शन। तो उसके लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। तो क्या कैसे करेंगे ये हमें सीखना है। इसके लिए हम डिस्ट्रक्टर को सीखते हैं। पहले अ डिस्ट्रक्टर इज़ ऑल्सो स्पेशल मेंबर फंक्शन। देखिए डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन रहता है, यानी कि स्पेशल मेंबर मेथड रहता है
उसका काम क्या रहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट ने वैल्यू इनिशियलाइज की है उसको रिलीज करना, यानी कि ऑब्जेक्ट ने मेमोरी एलोकेट की है उसको रिलीज करना। डिस्ट्रक्टर डिफाइन विद द टाइल्ड ऑपरेटर, यानी कि उसके आगे ये ऑपरेटर ये सिंबल रहना जरूरी है, उसका नाम और क्लास का नाम सेम रहता है। और डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन और मेंबर मेथड ऑफ अ क्लास दैट एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास गोज आउट ऑफ स्कोप, यानी कि ये स्पेशल मेंबर मेथड है और जिस ब्लॉक में वो क्रिएट किया है उस ब्लॉक क्लोज होने से पहले उसको ऑटोमेटिक कॉल किया जाता है। और डिस्ट्रक्टर हैज़ एग्जैक्टली द सेम नेम एज द क्लास नेम, यानी क्लास का नाम और उसका नाम सेम रहता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के आगे कोई भी सिंबल नहीं रहता, डिस्ट्रक्टर के आगे टाइल्ड सिंबल रहता है। और कंस्ट्रक्टर जैसे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वैसे भी ही डिस्ट्रक्टर भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता और कोई भी रिटर्न टाइप होल्ड नहीं करता। डिस्ट्रक्टर कैन बी वेरी यूजफुल फॉर रिलीजिंग मेमरी रिसोर्सेज बिफोर एग्जिटिंग द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम एग्जिट होने से पहले जो भी ऑब्जेक्ट को मेमरी आपने दी है उसको वो रिलीज कर देता है। और डिस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते, यानी कि अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि देखिए, आप कंस्ट्रक्टर को ऐसे पैरामीटर वगैरह पास करके लिख सकते होते, वैसे डिस्ट्रक्टर को नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रक्टर कॉल्ड व्हेन आफ्टर ऑल लाइंस आर कंप्लीटेड इन बॉक्स वेयर इट इज क्रिएटेड एंड बिफोर ब्लॉक। यहाँ पे हम ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक क्लोज होने से पहले वो कॉल हो जाता है। यानी कि देखिए, मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ। आपके पास ये क्लास ए बी सी है, यहाँ पे डेटा मेंबर्स है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट डिफाइन किया और यहीं पे हमने डिस्ट्रक्टर को भी क्रिएट किया। ठीक है, इसका कुछ काम रहेगा जो आप लिखोगे, इसका भी कुछ काम रहेगा जो आप लिखोगे। ओके, अभी कंस्ट्रक्ट डेमो नाम का एक क्लास है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ओ बी वन और ओ बी टू। ओ बी वन क्रिएट करने के बाद ये जंप करेगा यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर की मेमोरी एलोकेट कर दी, फिर ऑब्जेक्ट टू को कॉल किया, कंस्ट्रक्टर को मेमोरी एलोकेट कर दी, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी और इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी कंस्ट्रक्टर के जरिए एलोकेट कर दी। फिर ये ब्लॉक आ गया, यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने ओ बी थ्री, यानी कि यहाँ पे ओ बी वन है, ओ बी टू है और इस ब्लॉक में, ये देखो ये ब्लॉक है, ओपन कर लिया और क्लोज कर लिया। यहाँ पे ओ बी थ्री नाम का एक तीसरा ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से जंप करेगा ओ बी थ्री। तो हमने यहाँ पे देखा तीन ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया। अभी क्रिएट करने के बाद अभी ये तो ब्लॉक यहाँ पे क्लोज हो गया, देखा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट थ्री का काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे वो जंप करेगा डिस्ट्रक्टर पे, यानी कि जिस ब्लॉक में आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उस ब्लॉक में ही वो उसको क्लोज कर देता है। यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ से कॉल कर देगा ओ बी थ्री का कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। अब ये ब्लॉक ख़त्म हो गया, मेन ब्लॉक ख़त्म हो रहा है। तो मेन ब्लॉक में आपने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, तो आपके दो ऑब्जेक्ट के लिए दो बार वो डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। यानी कि यहाँ पे हम सीख रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, वैसे ही ब्लॉक ख़त्म होने से पहले डिस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिक कॉल किया जाता है। और जो भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी आपने एलोकेट कर दी थी उसको आप फ्री कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो। सी डिस्ट्रक्टर कॉल इन एवरी ब्लॉक बिफोर क्लोजिंग इट, यानी कि हर एक ब्लॉक में वो कॉल होता है जहाँ पे वो क्लोज किया जाता है। तो हम इसके लिए अब प्रोग्राम देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे काम करता है। यहाँ पे आ जाओ, डिस्ट्रक्टर डेमो नाम का एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्लास, क्लास का नाम देते हैं अल्फा, आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने क्लास का नाम लिखा यहाँ पे अल्फा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर काम करके, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है इसको हम स्टैटिक बोलते हैं, क्योंकि स्टैटिक वैल्यू एक ही रहेगी हर एक ऑब्जेक्ट। ओके,
तो ये काउंट हो गया स्टैटिक काउंट जीरो। इसको पब्लिक भी कर दो। पब्लिक करने के बाद वो ले दिया जाएगा यहाँ पे एक ही वाली। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, void सॉरी अल्फा, लेकिन पब्लिक बोलिए। यहाँ पे आते समय हम क्या करेंगे, जब जब हम कंस्ट्रक्ट को कॉल करेंगे ना तो काउंट की वैल्यू हम एक से बढ़ाएंगे, यानी कि जब जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तब तब आपको एक वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। ठीक है, स्टैटिक नहीं लेंगे, सिंपली लेते हैं स्टैटिक, यानी कि हर एक की वैल्यू एक रहेगी। कंसोल डॉट राइट, ठीक है, जो वैल्यू है क्या क्या किया है, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया है, इसको एक्चुअली हम ऐसे ग्लोबल करके देखते हैं क्लास। ओके, ये क्लास के बाहर नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको क्रिएट कर देते हैं और यहाँ से एक वैल्यू भेजेंगे हम, यानी कि जो वेरिएबल क्रिएट किया है कंस्ट्रक्टर हैं, इसको हम एक वैल्यू भेजेंगे और ये वैल्यू काउंट को इनिशियलाइज कर दी जाएगी। तो आप सीखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया और कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, फिलहाल आप ध्यान में रखिए कि हमने सिर्फ दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, उसमें काउंट की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी और मैसेज प्रिंट कर दिया, डिस्ट्रक्टर डिफाइन किया उसमें मैसेज प्रिंट कर दिया, इतना आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे आ जाओ, क्लास का जो नाम है अल्फा, अल्फा ओबी वन इज इक्वल टू न्यू अल्फा। अभी हमने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वन, ओके, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट टू, इसलिए हमने दो भेजे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक मैसेज दे देता हूँ, इन मेन ब्लॉक, यानी कि आप मेन ब्लॉक में अभी हो, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक ब्लॉक बनाते हैं, ऐसे ब्लॉक बना सकते हो आप,
लॉक वन इसका नाम देते हैं हम यहाँ पर मैसेज टू कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं तो राइट इन मेन ब्लॉक इन ब्लॉक वन अल्फा टू बी थ्री इज इक्वल टू न्यू अल्फा ठीक है Lock one and here. In main block again. यहाँ पे हम मेन ब्लॉक को एंड करेंगे। देखिए मैं आपको रिवाइज करता हूँ अभी क्या क्या होगा। पहले तो आपको मैसेज आएगा इन मेन ब्लॉक ठीक है, फिर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं ओ बी वन, तो ये वन यहाँ पे जंप करेगा, काउंट वन की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएटेड वन का मैसेज आ जाएगा। फिर आपने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट टू, यानी कि आपको मैसेज आएगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड टू ठीक है। फिर आपने इस ब्लॉक में एंट्री कर दी तो आपको मैसेज आएगा पहले इन ब्लॉक वन, फिर आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है तो ये तीन मैसेज आएगा, फिर मैसेज आएगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड थ्री, फिर ब्लॉक वन एंड हियर। अब ये ब्लॉक वन एंड हियर के बाद यहाँ पे क्लोज हो जाता है ना, तो यहाँ पे यानी कि इसके बाद में डिस्ट्रक्टर कॉल करेगा, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड थ्री ऐसे आपको मैसेज आ जाएगा। फिर उसके बाद मेन ब्लॉक में आ जाएगा, मेन ब्लॉक में आ जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये ब्लॉक क्लोज हो जाता है तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड फोर और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड टू और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड वन ऐसे मैसेज आ जाएगा। जाओ और स्ट्रक्चर को चूज करो, स्लैशिंग ओके ये देखिए मैंने क्या कहा था, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जब आप मेन फंक्शन में आते हो तो इन मेन ब्लॉक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड टू, फिर ब्लॉक में गया आप इन मेन इन ब्लॉक वन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड थ्री, ब्लॉक ये एंड हो गया यहाँ पे। ब्लॉक एंड हो जाने के बाद यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, तो क्लोज होने से पहले आपको मेन ब्लॉक एंड हियर ऑब्जेक्ट थ्री डिस्ट्रॉयड ऑब्जेक्ट वन डिस्ट्रॉयड, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है देखा, यानी कि जो लास्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो पहले डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे वो डिस्ट्रॉय होने वाला है, ये बात ध्यान में रखो ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करता है और डिस्ट्रक्टर जो है वो मेमोरी को रिलीज करता है
यानी कि जिस ब्लॉक में आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उस ब्लॉक को क्लोज होने से पहले वो रिस्ट्रक्ट कॉल करेगा और उसकी जो भी मेमोरी एलोकेट की है उसको रिलीज कर देता है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर मेथड है बिकॉज उसका नाम और क्लास का नाम सेम रहता है और इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रहता और वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता जैसे कि पहले देखा था वैसे। ओके, तो उम्मीद है आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फ़र्क समझ में आया होगा और कंस्ट्रक्टर कैसे इस्तेमाल करते हैं और डिस्ट्रक्टर कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ओके, तो अगर इस सेशंस में आपको कोई भी दिक्कत आएगी आ रही हो तो आप मुझे कॉल करके बोल दीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप एंट्री करके बता दीजिए कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। ओके, थैंक यू, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।